इवनिंग फ्रेंड्स, और अब मैं जाऊंगी अनु के घर। अनु को पीतल का थाली का जरूरत है तो उसको दे दूंगी, और पूजा के लिए उसको जो जो चाहिए वो सब लेकर आ गई। तो अब होगा करवा चौथ का पूजा, चलिए अनु के घर चलते हैं। और बाबू का यहाँ पे ट्यूशन हो रहा है, और अभी तो आ गई ऑफिस से, आके बैठ के वहाँ पे कंप्यूटर। हाय, गुड इवनिंग। ये ग्लास में भी रखना है? हाँ, ये भी लेना है। दोनों यहाँ पे रख दो? हाँ, दोनों ग्लास पूजा में लेना है, ये वाला कड़ा और ग्लास दोनों ना। हाँ। कौन आया रे? ये परी। ये तो पूरा अच्छे से सजी है, मम्मी ने सजा दी। क्या चूड़ी बेंगल्स? देखा बेंगल्स, ये देखो सस्ते ही आंटी के पास आ गई। नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी लग रही सीधी जरूर बताना। बोलो कैसी लग रही हूँ मैं, जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना। ये आ गई अभी अनु मैडम। अनु मैडम का भी होगा मेकअप। अब देखो लग रही हो अनु ओडियानी बहू। अभी ऐसा हम घूंघट भी देते नहीं नवे दुल्हन में। और मैं भी बहुत दिन के बाद इस स्टाइल का साड़ी पहनाई हूँ अनु को। आपको कैसा लगा जरूर बताना। बहुत अच्छा लगा, साड़ी बहुत सुंदर है। और इस टाइप का साड़ी से ही पूरा ग्रेस आता है। हाँ, ग्रेस आता है और पूरा लग रही होड़िया बहुत। आज पूरा बड़ी बहन की तरह सजाऊंगी ना, सास की तरह सजाऊंगी। नहीं नहीं, बड़ी बहन की तरह। ना सहेली की तरह। हाँ, सहेली ना, सहेली बड़ी बहन। कुछ बड़ी बहन तो केयरिंग होता है, केयरिंग होता है, तभी तो बड़ी बहन अच्छे से सजाती है। वही तो। अच्छा लग रहा दीदी, बड़ा बीच का मांग आप सही कह रहे थे, अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी और भी ओढ़िया ही बन जा, अभी ओढ़िया ही बनवा दूंगी, बना दूंगी तुझे। सुंदर लगा लुक तो। सिद्धि पापा कहेंगे ये तो पूरा चेंज हो गई मेरी बीवी। हाँ मैम, कोई पार्लर नहीं मेरे पास, आ जाना। कोई किसको चाहिए तो आ जाओ, ब्राइडल लुक भी दे दूंगी, पर सिंपल। मैं ज्यादा तो मैं भी नहीं सस्ती हूँ, नहीं नहीं ऐसा पर लग रहा है। क्लासी लुक लगेगा, अच्छा लुक लगेगा। मेरी पार्लर पे आइए आप, पैसा ज्यादा नहीं लूंगी। बस दो हम दोनों मिलकर पार्लर ही खोल लेते हैं। 2-3 किलो फीस ही लेकर आ जाना मेरे लिए। और तो नहीं चाहिए। वाह, देखो पीछे, देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है। इधर इधर घूम जाओ, चेयर से घूम जाओ। ये जूड़ा कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना। इस कैसे में हेयर स्टाइल की एकदम कितना, 2-3 मिनट में, दो तीन मिनट अभी पूरा नहीं लगा, पूरा नहीं एकदम। चलो अभी लग नहीं। मैं तो हमेशा, मेरी आदत है पता है कॉलेज टाइम से, मेरा ये ना, मैं अभी निकलती हूँ। अच्छा लगा दीदी, मैं भी ट्राई करूंगी। अच्छा लगा मेरे फेस पे ये हेयर स्टाइल। मैं तुमको बोली ना तुम्हारा राउंड फेस में, इधर तो एकदम सही निकल गया। अब फेस मेकअप करेंगे, फेस में भी बिल्कुल नहीं, कुछ क्रीम दे देंगे, थोड़ा सा फाउंडेशन देंगे। अब लगाएंगे मैबेलिन का फिट मी, इसके ऊपर फिट बैठेगा। अब लगाएंगे पाउडर, पाउडर नॉर्मल पाउडर लगाएंगे, लूज पाउडर। अभी इससे ना पूरा गोरी, मुझे सबसे ये ही लगाती हूँ ना, गोरी होती। ये देखो कितना गोरी लग रही है। अभी हम लोग ब्रश का यूज करेंगे। देसी ब्रश जो हर बड़ी बहन छोटी बहन पे करती है। इससे ज्यादा अच्छा ब्रश और नहीं, सबसे अच्छा ब्रश। देखा कितना, वाह। अब हम इसका आईब्रो फिट करेंगे। लगाऊंगी मैं आई शेडो, ये भी मैबेलिन का ही है,
तो गोल्डन कलर लगाएंगे ये वाला नेचुरल आएगा। अब लगाएंगे लाइनर, ये है कलर बार का। और अब लगाऊंगी बिंदी, काजल बाद में लगाऊंगी। अब सिंदूर भरूंगी, उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी, लास्ट में काजल फिल करूंगी। क्योंकि पीछे तक फिल है ना। हाँ उतना ही तो रहना है। अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। ये वाला हेयर स्टाइल यानी सूट कर रहा है ऐसे ही। हाँ इसको ऐसे ही करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब लिपस्टिक लगाना है, लिपस्टिक भी कलर बार का लगाऊंगी, मैरून लिपस्टिक। और मैं भी अभी आ गई हूँ। मैं तो सिंपल हूँ क्योंकि इसका करवा चौथ है तो ये तो टिप टॉप लगना चाहिए। तो कैसे लग रहा है? दीदी ने किया है, मस्त लग रहा है, अच्छा लग। पूरा दीदी ने मेकओवर कर दिया है। अच्छा तो कितना परसेंट अच्छा लगा तुम्हें? बहुत, 100% इतना टाइटल पोज दे देते हम लोग। इतना हस्बैंड लोग अपने अपने काम में बिजी, हम लोग करवा चौथ अपने काम में बिजी, हमारा करवा चौथ आपस में पोज दे के बिजी। चांद भी आज आया नहीं अभी तक, चांद भी सो जाएंगे, लेजी लोग अभी तक पूजा तो करे नहीं। आराम साथ में आया नहीं ना चांद? नहीं आता ही नहीं, इतना जल्दी तो आता ही नहीं। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू, आ सो जा मेरी गोद। ऐसा नहीं है बस खा के मेरी जाना। नहीं मैं बड़ी बहन हूँ ना। अच्छा बड़ी बहन का बात मान, चल अभी चल का। मैं तो लगाई नहीं दीदी, मैं दिवाली में लगाऊंगी इसलिए मैं लगाई नहीं। दिवाली पे लगाएंगे दीदी। इसका तो करवा चाहते है। हाँ ऐसे देखो, ये मेरा हाथ है। हाँ ये, और ये लगाए थे अभी। अभी सिद्धि देख के हंस रही थी, कह रहे थे मैं फ्लावर बनाने की कोशिश कर रहा था पर पता नहीं क्या बना। फ्लावर ही बना, फ्लावर। ये इंद्र के पास रहता है ये। अच्छा, अपराजित पावन। इतना गुड रहे इंद्र, इंद्र उस
स्पेशल लोग को देते तो भैया को दिए होगे तो वो स्वप्न में आकर बोले होगे यो अपने भाई की ना इतनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उनकी गलतियों को छुपा मत पड़ना डोलते फिरेंगे वो इतनी सुंदर अप्सरा। अब पूजा शुरू कर देंगे, सब बच्चों आ जाओ यहाँ पे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी सहित उस रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बाहर चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उनकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदनुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति कर धन संपत्ति और वैभव से युक्त किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता दादी पार्वती पिता महादेवा। अब हम चल रहे छत के ऊपर, 10 बज रहा है, 10:15 हो रहा है, चांद अभी तक आया नहीं है, फिर भी देखते एक बार, 10:15 हो रहा है। और ये रहे मेरी चांद ये, और तुम मेरी चांदनी चांदनी। हाँ चलो पता नहीं आज रात को आ जाएगा ना सूर्य देवता हिंगा सब देखे। देखो कहीं पे भी चंदा मामा का नाम रोशन नहीं है, नाम रोशन दिखाई दे रहा है, थोड़ा बादल में जल्दी जल्दी आना, जल्दी लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, हाँ चांद कितना सुंदर लग रही हो।
अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से हाँ, दिख रहा है। दिख लिया मैं चांद को और देख लो, और देख लो हाँ, देख लिया। पानी बाद में पीना, बस मैं सुबह से कुछ पानी बिल्कुल पी नहीं हूँ, बस खाना खा लिया था 4-5 बार, पर पानी नहीं पी थी बस। और पानी से मैं व्रत तोड़ूंगी, बस पानी पिला बस, सुबह से बिल्कुल एक ड्रॉप भी नहीं पी, चाय भी नहीं पी। वो अच्छे से दिख रहा है, देखो 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 देखो। 4-5 बार तो खाना खा चुकी थी, पानी नहीं। अब मेरा व्रत स्वप्न हुआ, स्वप्न नहीं पूरा हुआ, समाप्त हुआ, संपन्न। अब मेरा व्रत संपन्न हुआ, और जो मेरे बहुत दिन की ख्वाहिश था कि मैं भी करवा चौथ देखूंगी करूंगी, वो पूरा हुआ। पानी से मैं तोड़ दिया आज व्रत, व्रत और सबको प्यास लग गई, सब लाए अब ये तो मैं पिला देती हूँ, मैं कुछ नहीं 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 जिसको प्यास लग रही मेरे पास आ जाओ। तो आज का हमारा व्रत संपन्न हुआ, मेरा तो नहीं इसका था, मैं बस पानी के खोला, खाना खाई थी, पानी बिल्कुल भी नहीं पी थी, बस खाना खाया 4 बार। अभी चलते नीचे, बहुत हवा आ रहा है, बहुत हवा। सात फेरों का ये बंधन, सात फेरों का पंद्रह जन्मों का ये बंधन, धड़कन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, धड़कन 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 धड़कन, नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होट है खामोश फिर भी कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन, मैं ये सब बोल सकती हूँ। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल मुश्किल दामाद को छुड़ाना लगता है, दामाद दामाद को ये ये सब बोल देना, मुश्किल मुश्किल अब मुश्किल लगता है दामाद को छोड़ने को, दामाद को दामाद मतलब मम्मी का दामाद। अरे एक्सप्लेन करो भैया, मम्मी का दामाद, मम्मी मम का दामाद को अभी छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, मुश्किल भैया पहले बोलते कहीं नहीं जाएंगे। मैं अभी तक समझ रही थी कि दामाद को छोड़ना मुश्किल हो रहा है, दामन को बोलते भैया, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। आज मतलब करवा चौथ में एक अच्छा वाला गाना गाएंगे, मैं कुछ सुरीली आवाज में भाभी जी मेरे गाना गवा के छोड़ेंगे, भैया के लिए भैया की तरफ मुंह करके गाइए, पूरा नहीं एक एक मुखड़ा मुखड़ा हाँ मस्त मस्त आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनके, कोई आंधी हो या तूफान है, कोई सुनामी भी जुदा नहीं कर पाएगा हमको, गाने का बंद करने लगा।
जो जो करवा चौथ कर रहे हो हैप्पी करवा चौथ। तुमको मेहंदी गाना गाना चाहिए सर। हाँ, हाँ, कोई भी तुम मेरे कुछ भी गाओ करवा चौथ। गा लो ना कुछ तेरे लिए डार्लिंग जिंदगी। ये कौन सी गाना है? मैं भी सोच रहा हूँ ऊंची है बिल्डिंग ऊंची है। अरे ये कैसे मैं आऊँ आज अनोखी आज अनोखी आगे गाओ। अरे आज अनोखी हाथों से हम खाएंगे पराठा और मिठाई वजह गुड़ का हलवा बनाती है हाय। और मैं ना ज्यादा गाती नहीं हूँ कि कोई चुरा ले मेरा आवाज को, लिरिक्स को चुरा ले और मेरे आवाज को कोई चुरा ना ले, इसलिए मैं बहुत संभाल के रखती हूँ मेरे आवाज को ऐसे सबके पास जाए नहीं कर। आज एक अच्छा मौका था और अनु के लिए आज मैं मेरी सुरेली आवाज से दो चार गाना गा ली और मेरे जो हाँ थैंक यू बस किसी नहीं गाई और नहीं मैं अनु के लिए गाई ना तुम्हारे लिए गाना 10-15 तो मैं ऐसे ही गाऊंगा। काम बचना चाहिए ना सुनने के लिए। सुनो मेरा गाना सुन लो प्लीज, कोई तो मेरा गाना सुन लो। एक गाना तो मैं गाऊंगी नहीं, एक गाना तो मैं गाऊंगी। कौन सा? मेरा गाना मैं किसी का भी कॉपी नहीं करती, मैं खुद मेरी आवाज में मैं गाना गाऊंगी और मेरी लिरिक्स भी मेरा है, सब मेरा है। मैं तो गाना गाऊंगी पर एक चैलेंज है कि कोई हंसना नहीं, जिसके मुंह में हंस और पर हंसोगे नहीं। कोई अच्छा गाना गा लो। हमारा जब ब्लॉगिंग होता है गाना आ रहा है, आ रहा है सुबह तक आ जाएगा। इतना सुंदर बीबी जो मिली तुमको पति जी, तुम सोचते भी कितना अच्छा गा रहे हो तुम। और फ्रेंड्स हमारा गाना कभी हुआ ही नहीं था। नहीं मैं तो गाई बहुत सारी गाने का गा निकला ना नहीं निकल पाए, मान लो ना मान क्या लो कितना गाना गया और मेरा सुने ना मैंने तुम सुनोगे और इतना अच्छा इतना सुरीला जो बुरा अगर मेरा गाना अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं करेक्ट होने तक मैं गाऊंगी मैं गाऊंगी। हम बोल रहे हमको अच्छा लगा बुरा लगा बहुत बढ़िया अच्छा लगा सबको अच्छा लगा बहुत अरे गाओ बोलो नहीं बहुत 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 अच्छा। तो क्लोज कर लेते एक अच्छे गाने से, मैं ही गाऊंगी तुम लोग अच्छे वाला गाना एक अच्छा वाला गाना गाऊंगी। कोई भी मुंह नहीं बनाना, कोई भी हंसेगा नहीं बड़ा देगी भाभी जी अंतरा दो तुम नहीं। मेरा गाना मेरा ही, मैं ही गाऊंगी, लिरिक्स मेरा, गान सिंगर भी मैं हूँ, डायरेक्शन तुम सब, हाँ सब मैं हूँ, प्रोड्यूसर तुम हो, हाँ प्रोड्यूसर तुम हो, हाँ सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, ऐसे मैं हाँ मैं सब हूँ, ये तक तक मैं हीरोइन हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, हीरोइन क्या मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे रखते हैं, बहुत सारे मस्ती की, अभी 11 बज रहा है, अब खाना खाएंगे और खाना खाने का आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हम टायर्ड है, हम लोग सब नाइट चेंज करके ये सब मेकअप उतरा के आराम से खाएंगे। तो दोनों बोलो कैसा है अनु का सुंदर ओरिया लुक? सुंदर है, सुंदर ना, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही ज्यादा। क्या बोले क्या बोले? चूड़े जैसा अभी तो खून चुस्त नहीं, मैं 15 गाना सुनाऊंगी अभी मैं 15 गाना सुना के 12 बजे तक छोड़ूंगी 2 मिनट में। तो फिर चलिए फ्रेंड बाय 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 बाय। मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया, थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। आशीर्वाद करते हैं हम लोग, थैंक यू दोनों को आशीर्वाद करते हैं कि अच्छे से रहो, फुलो फलो और एक सीधी सीधा लेकर आओ।
ये तो आशीर्वाद कर सकते हैं। ये तो कल सही कहना।